उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मतापुर में ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट होने से 2 मंजिला मकान पूरी तरह धराशायी हो गया। इस विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मतापुर तिराहे के पास हरिश्चंद पटेल के मकान में ऑक्सीजन सिलेंडर की एजेंसी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार की शाम लगभग 5 बजे किन्हीं कारणों से सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के मकान भी हिल गए। किसी अनहोनी की आशंका से पड़ोस के लोग विस्फोट स्थल पर पहुंचे तो वहां चीख पुकार अफरा तफरी मची हुई थी। विस्फोट की चपेट में आने से बाइक से गुजर रहे एक राहगीर व 2 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई। विस्फोट की सूचना पर तत्काल जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंच गए। जिला अधिकारी ने विस्फोट से 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की, जबकि 5 लोगों को घायल बताया। घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। घटना स्थल पर जेसीबी द्वारा मलबा हटाकर घायलों व मृतकों की खोज का काम काफी देर तक चलता रहा। पुलिस द्वारा मलबा में से 5 लोगों के छत बिछत शव निकाले गए। वहीं जिला अधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने मृतकों के परिवार को 2 लाख तथा घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद की घोषणा की। पेश है जे न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट जौनपुर। 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 5 लोगों की इलाज चल रही है, और जो मृत्यु हुई है उनको 2 लाख रुपए की, और जो इंजर्ड है उनके लिए 50,000 रुपये TR-27 रूल के माध्यम से अभी इनको तत्काल दिया जा रहा है, ताकि जो जिसको परिवार है उनको इस दुखद समय में उनको मदद हो सके। कुछ लोग मिसिंग है बताया जा रहे हैं, उसके बाद जब खोल रहे हैं 2 बच्चे मिसिंग बताया जा रहा है। अभी कार्रवाई चल रही है, अभी जो भी अपडेट होगा आपको अवगत करा दी जाएगी। इस हादसे के लिए जिम्मेदार होंगे, खिलाफ क्या किया जाएगा? उनकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी इनकी इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद जो भी विधिक प्रक्रिया है इसके अंतर्गत अमल में ला जाएगी। दुकान सही जगह पे है, उनकी कॉम्पनसेशन में TR-27 नियम के अंतर्गत जिसकी मृत्यु हुई है उनके लिए 2 लाख रुपए और जिसकी इंजर्ड है उनके लिए 50,000 रुपये TR-27 अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत दिया जा रहा है। क्या इस तरह की दुकान जो ऑक्सीजन सिलेंडर नगर के बीचों बीच चला जा रही है सही है? इसके संबंध में जांच चल रही है और कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके इस घटना में उनके परिजन के साथ है, हमारी सरकार, हमारी पार्टी भी उनके साथ है दुख की घड़ी में, और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये दुख उनको सहने की क्षमता दे। जहाँ तक घटना क्यों हुई, इसका कारण क्या है, इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से जिलाधिकारी महोदय ने घोषणा की है, क्योंकि आचार संहिता है आप सब लोग जानते हैं उनके सारे नियम और कानून। तो जिलाधिकारी महोदय ने मृतकों के 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की घोषणा की है। इसके लिए जिम्मेदार किसको है? अब जो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। अभी पूरी संवेदना उनके परिजन के साथ है हमारी इस दुख की घड़ी में, और दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन सब के समुचित इलाज का प्रबंध करके जहां भी रहा उचित स्थान पर पहुंचाने का काम किया। यहां हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी, पुलिस अधीक्षक जी ने और स्वास्थ्य विभाग की सारी टीम ने बहुत तत्परता के साथ काम किया है। कितने की मौत है? 5 लोगों की मौत हुई है और 5 घायल हैं।